सिंगल फादर क्यों बताते हैं आपको, एक तो ये टारगेट करते हैं मैरिड लड़कियों को, जितनी भी लड़कियों की रिसेंटली मैरिड होगी या एजेड वुमेन, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, क्या मतलब कैसे भी दिखते हो, इट डजेंट मैटर ना, आपको पहले क्या करते हैं ये पहले स्टेप में ना आपसे बातचीत शुरू करेंगे, स्पेशली मैरिड लड़कियों से। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो घर पर अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो और आप मेल हो, तो मैं कह रहा हूँ आज से अपने घर थोड़ा टाइम देना शुरू कर लेना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर यही बंदा है जिसने फ्रॉड करा, तो ये बंदा नहीं है ऐसा मत सोच। डोर तक यानी कि डोर स्टेप तक जब तक जब पार्सल आएगा तब मैं 1,000 रुपया पे कर सकती हूँ भाई, गोल्ड है क्या आपके पास, वो बेच के पैसे दो, समझ रहे हो आप। अभी उनकी ज्वेलरी गई, हस्बैंड जो है वो ऑटो वगैरह चलाता है उनका, और ये 2 लाख रुपए भी उनके स्कैम में चले गए। अब उनकी लाइफ के लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पहले वो समझ रहे हो 7.5 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, पर ये चीजें बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, हो जाती हैं विद द टाइम। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूड वीडियो कॉलिंग वगैरह बिल्कुल मत करो, किसी को अपनी उल्टी फोटोज़ मत भेजो, क्योंकि वो सबसे खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में, समझ लो सबसे खतरनाक यही है। तो आप लोग भी अब मेरी वीडियोस देखने के बाद स्कैमर्स के साथ सही मजे ले रहे हो यार, हाँ जैसे आज की चैट में ये जो हमारे पास ये मैम ने कुछ डिटेल्स भेजी हैं, एक बार इनको भी देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ। और यार दिल से थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये हैशटैग नो मोर स्कैम जो मेरी कैंपियन है इसको सपोर्ट करा और ये वीडियोस अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर करी, उन सबकी प्रोफाइल जल्दी मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर भी करूँगा जो लोग ये वीडियो शेयर करते हैं हैशटैग नो मोर स्कैम के साथ। बट दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मेरी इस कैंपियन को, इस मूवमेंट को। तो गाइज जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को इन स्कैम से फ्रॉड से बचाने की। और हमारे पास आजकल बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, नेगेटिव तो आ रहे हैं मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता, बट मेन थिंग ये है कि आप लोग इन स्कैम्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे, आप लोग बच रहे हो, इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और उसका रिजल्ट मेरी तबीयत पे भी और चेहरे पे भी आपको नज़र आ रहा होगा जो खुशी है, नहीं तो लास्ट वीडियो में तो मैं ज़्यादा ही भड़का हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही हो, उसका रीज़न ये मेरा गला बैठा हुआ है और मैं जस्ट फीवर से अच्छे खासे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से रिकवरी अभी चल रही है, तो उसका इफेक्ट आवाज़ पे रहेगा। बट एनीवेज हम वापस फोकस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो पे। तो आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो भी आपको लगता है ठीक है, लोगों की मदद करेगी स्कैम से फाइट करने में, ऑनलाइन कस्टम फ्रॉड गिफ्ट फ्रॉड जो चल रहे हैं, तो इस वीडियो को एटलीस्ट मिनिमम अपने 10 से 15 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, प्लीज़। अगर ये वीडियो 100 लोगों ने भी देख ली ना, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ कुछों को तो मैं बचा पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। मेरे पास ये मैसेज आता है एक बहन का, कहती है हेलो मेरे साथ भी वही गिफ्ट वाला स्कैम होने जा रहा था, पर मैंने उसे कह दिया मेरे पास 100 रुपये हैं, उतने ही दे सकती हूँ, चाहे उसने कितने भी मांगे हो, पर इन्होंने कहा 100 रुपये दे सकती हूँ। वो बोला कस्टम चार्ज लगेगा। मैंने कहा मेरे अंकल कस्टम ड्यूटी ऑफिसर हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। और वो गुस्सा होकर बोलने लगा अंकल के पास ही जाओ फिर, गो टू हेल। मैंने बोला सेम टू यू, और मेरे 45,000 बच गए। 45,000 कैसे बच गए, क्योंकि इनसे मांगा गया था कस्टम फ्रॉड के नाम पर 45,000 रुपीज़, ठीक है। उसने उसके नाम एलेक्स मोर्टिक्स मोर्टिन से मोर्टिक्स बना दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। और एलेक्स एक पॉपुलर नाम है, सॉरी मेरी आवाज़ ना आज बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन थोड़ी नज़र आएगी, ये होती है दिक्कत कभी कभी ना। बताया था यूके से है, सिंगल फादर है, एलसेक्ट्रा एलसेक्ट्रा। ये सिंगल फादर क्यों बताते हैं आपको, एक तो ये टारगेट करते हैं मैरिड लड़कियों को, जितनी भी लड़कियों की रिसेंटली मैरिड होगी या एजेड वुमेन, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, क्या मतलब कैसे भी दिखते हो, इट डजेंट मैटर ना, आपको पहले क्या करते हैं ये पहले स्टेप में ना आपसे बातचीत शुरू करेंगे, स्पेशली मैरिड लड़कियों से, उनको ऐसे दिखाएंगे जैसे इस दुनिया में उनके माँ बाप उनके हस्बैंड से ज़्यादा भी कोई केयर करता है, तो ये लोग करते हैं, ये स्कैमर्स करते हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर बोलेंगे बेबी मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे साथ यहाँ यू के आके रहो। अब छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में हर कोई परेशान होता है ना, कभी छोटी कभी बड़ी, तो कहता है यार छोड़ के ना मैं भी यू के चली ही जाती हूँ। तो आप लोग इनके जाल में फंस जाते हो और पैसे दे देते हो। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो बात करने के बाद ही मैं यहाँ तक आया इस पॉइंट तक कि मैं ये लाइन आज आपसे कह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये टारगेट मैरिड वुमेन्स को ही करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो घर पर अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो और आप मेल हो, तो मैं कह रहा हूँ आज से अपने घर थोड़ा टाइम देना शुरू कर लेना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ।
4,000 लड़कियों से मैंने बात करी है, और उनमें से सबसे बड़ा रीज़न जो था ना ये फ्रॉड होने का, वो ये था कि उनके जो हस्बैंड है लड़कियों के, ठीक है मैरिड लाइफ के बाद ना सब कोई बिजनेस में बिजी है, कोई पैसे कमाने में बिजी है, फैमिली टाइम दे ही नहीं रहा, तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा इंटरनेट पर ही फिर कोई दोस्त बना लूँ, और वो दोस्त बनाई स्कैमर और ये पैसे ले गया लूट के। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि थोड़ा घर पे टाइम देना शुरू कर देना। तो ये होता क्या है, ये फोटो उसने भेजे इंटरनेट से उठा के। अब ये जो फोटो देख रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर यही बंदा है जिसने फ्रॉड करा, तो ये बंदा नहीं है, ऐसा मत सोचना। ये फोटो इंस्टाग्राम से इन्होंने उठाया है किसी के प्रोफाइल का, हो सकता है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उर्मेगिस्तान में से किसी भी कंट्री का एक बंदा हो जिसका ये फोटो इन्हें उठा लिया। और ये फोटो लेने का रीज़न था इनकी लाइक फेस और जो नाम है और जो लैंग्वेज है वो कभी भी आपके फ्रेंड सजेशन में इंस्टाग्राम पे नहीं आती, तो इसीलिए ये लोग इनके फोटोज़ यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपको इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और आप हो गई इन पे फिदा। हालांकि ये मैम नहीं हुई, जो बहन है, अच्छी बात ये है इन्होंने पैसे नहीं दिए, आपने उसको कोई पेमेंट नहीं की ना। तो बोला कि आई एम फ्रॉम मुंबई, मैंने पूछा आप कहाँ से, उन्होंने कहा मैं मुंबई से हूँ, और मैंने इसको 1 रुपया तक नहीं दिया, इन्होंने इसको फूटी कौड़ी भी नहीं दी। सीधी बात यही है, बहुत सही किया आपने, सीधी बात है, जब आपने पैसा नहीं दिया तो आपने मेरा काम ईजी कर दिया, क्योंकि ये डीमोटिवेट हो जाए, स्कैमर इस लेवल पे डीमोटिवेट हो जाए ना, ये कहें यार अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद पहले उसने 45,000 मांगे, मैंने कहा मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी होगी, वो बोला उनको कुछ मत बताओ, तभी मैं समझ गई ये स्कैमर है। सही बात है, आप अपने हस्बैंड को बता दोगे, हस्बैंड आपको बोलेगा यार ये पैसे क्यों मांग रहा है, फिर वो चैट देखेगा, फिर पता चलेगा ये तो फ्लर्टिंग कर रहा है, फ्लर्टिंग कर रहा है मतलब गड़बड़ भी हो सकती है। फिर धीरे प्रोफाइल की जांच करोगे, अकाउंट डिटेल देखोगे, कस्टम में बात करोगे, पता चल जाएगा ये फ्रॉड है, और पता चल गया ये फ्रॉड है तो उसको पैसे मिलने वाले नहीं है। तो इसी चीज़ से तो वो बचना चाह रहा है, इसीलिए उसने कहा कि मत बताना अपने हस्बैंड को कि मेरे से आपकी बात हुई है। बाद में 35,000 बोल रहा था, बोला आपसे क्या अरेंज होगा, मैंने बोला 1,000 दे दूंगी, उसने उससे ज़्यादा नहीं, वो भी दूर तक पार्सल आएगा तब, डोर तक आएगा मतलब घर तक, सॉरी डोर लिखा है वो मैं गलत पड़ गया, डोर तक यानी कि डोर स्टेप तक, जब तक जब पार्सल आएगा तब मैं 1,000 रुपया पे कर सकती हूँ भाई। तो बोलता है 10,000 तो अरेंज करो, बोला बोल रहा था, मैंने स्ट्रिक्टली नो कह दिया, मुझे बोल रहा था गोल्ड है क्या आपके पास, वो बेच के पैसे दो, मतलब कि बहुत सीरियस चीज़ मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड है तो उसको सेल कर दो और उसके बाद मुझे पैसे दे दो। आप में से ये मैम भी इस बात पे हंस रही थी, और बहुत लोग ये चीज़ हंसी में ले जाते हैं। मैं आपको केस बताता हूँ का ये केस है। तो एक लेडी ने क्या करा कि ऐसे ही उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने अपनी ज्वेलरी जो थी वो सारी ज्वेलरी मथुट फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको गोल्ड पे लोन देती है, आप सोना रखो वहाँ पे गिरवी रख दी और वहाँ से 2 लाख रुपए विदड्रॉ करे और ऐसे स्कैम में दे दिए, समझ लो आप। अभी उनकी ज्वेलरी गई, हस्बैंड जो है वो ऑटो वगैरह चलाता है उनका, और ये 2 लाख रुपए भी उनके स्कैम में चले गए। अब उनकी लाइफ के लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पहले वो मनी रिकवरी करके वहाँ से अपने ज्वेलरी छुड़ाना, इससे पहले उनके पति को पता चले, उसके बाद इस सदमे से रिकवर करना, जो मेंटल ट्रॉमा उनको मिला है जो कई सालों तक रहेगा, एक तरीके से पैसा गया गया, आप एक मेंटली टॉर्चर भी हुए हो कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और उसके बाद आप रिकवरी कर रहे हो ना, मतलब एक बहुत बड़ा। एक लड़की पंजाब से है, बहन है वो, उससे मेरी बहुत अच्छी बात होती है आजकल इसीलिए, तो उसके साथ स्कैम हुआ, उनने 78,000 रुपये 78,000 रुपीज़ पे कर दिया, और उसका रिजल्ट ये था कि उसके पैसे तो गए, वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके फादर या कुछ फैमिली में खुद पुलिस स्टेशन में ही हैं, और उसके बाद उसकी टेंशन के चलते ही चलते उनका एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हो। तो अभी वो रिकवरी पीरियड पे ही है, और एक ठीक मतलब कैड़ा एक्सीडेंट हो गया आप समझो, बाइक स्कूटी पे ही, स्कूटी या बाइक पे जैसे भी, और ये जो रिजल्ट था ये उस जो उन्होंने वहाँ पैसा भरा है ना उसका टेंशन और डिप्रेशन का रिजल्ट था। और एक लड़की जो एचआर है एक वेल रेपुटेटेड कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची ऐसे स्कैम में फंसने के बाद, क्योंकि उसने 7.5 लाख रुपये पे कर दिए, समझ रहे हो। 7.5 लाख रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो ये लोग आपको, मैं अभी तो मैं मजाक में चल रहा हूँ, पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, हो जाती हैं विद द टाइम। तो बस उन्हीं से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने बाद में ब्लॉक मार दिया और इन्होंने उसको ब्लॉक करके सही करा। आपके पास भी ऐसी किसी की रिक्वेस्ट आ रही है उसको ब्लॉक कर दो, जो आपसे ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहा है, ज़्यादा लाइन दे रहा है और जो फ्री में गिफ्ट भेज रहा है उनसे दूर रहो। और एक रिक्वेस्ट और है ना, कभी भी लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूड वीडियो कॉलिंग वगैरह बिल्कुल मत करो, किसी को अपनी उल्टी फोटोज़ मत भेजो,
क्योंकि वो सबसे खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में, समझ लो, सबसे खतरनाक यही है। इज्जत जाना मरने से ज़्यादा खतरनाक होता है, आप मेरी इस बात को मान लो। मर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत चली गई तो पूरी फैमिली उसको भुगते भुगतेगी एक तरीके से, समझ लो। इसीलिए ऐसा कोई कदम मत उठाना, कितना भी आपके अंदर वो मचरी हो, पर इन चक्करों में मत पड़ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं हाल ही के कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं, मुझे लगा आपको ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते, तो मैं चाहता हूँ मेरी मैं इतना कर सकूँ कि आपके साथ ये स्कैम्स और फ्रॉड ना हो, एटलीस्ट इतना तो मैं कर सकूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो स्कैमर ने मुझसे कॉल पर एक दिन बात की थी, उसकी टोन फॉरेन लोगों जैसी ही थी, ये स्कैमर सब फॉरेनर्स ही हैं। देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इंडिया में भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जब मैं इंग्लिश की कोचिंग लेता था वहाँ पे दो तीन बच्चे ऐसे आते थे जिनकी एक्सेंट आप देखोगे ना, आप बात जब उनसे करोगे, एक्सेंट खैर सुनोगे देखोगे ही, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फॉरेन के बंदे से बात करो, सीरियसली आपको नहीं लगेगा वो इंडियन है जब वो इंग्लिश में बात करता है। और यही कारण है कि इनको इजीली अच्छी जॉब भी मिल जाती है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश एक्सेंट इंडिया के लोग नहीं बोल सकते, हम लोगों की क्वालिटी है कि हम सर्विस सेक्टर में उन्नति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी कंट्री की लैंग्वेज डिक्टो बोल लेते हैं बिना किसी एरर के, बहुत सारे लोग। एक रीज़न ये, दूसरा नाइजीरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं जो पाए जाते हैं ऐसे स्कैम्स में, जिनको दिल्ली पुलिस, मेघालय पुलिस ने अरेस्ट भी कराया, गोवा पुलिस ने भी अरेस्ट कराया, जहाँ पे ये लोग ड्रग बेचते हुए, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड करते हुए, गिफ्ट फ्रॉड जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये करते हुए पकड़े गए हैं। आप इन लोगों से बात करोगे तो ये एक्चुअल में इंडियन नहीं, इनकी फॉरन जो एक्सेंट है वो अलग ही है, तो इसी वजह से आपको यकीन लगा होगा वो फॉरनर है। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एंड एट दी एंड रिजल्ट यही है कि ये फ्रॉड है। अब क्या होता है, ऐसे गुस्सा हो रहा था मुझ पर, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैंने कहा मेरे भाई पुलिस ऑफिसर हैं और अंकल कस्टम ड्यूटी में, बोलने लगा गो टू हेल, मैंने कहा सेम टू यू। उसके बाद इन्होंने मुझे ये चैट सेंड करी इसकी ना, बोलता है ये आर यू देयर, हे हनी आई एम फाइन, समथिंग व्हाट आई बॉट फॉर यू टू योर एड्रेस, मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ तुम्हारे एड्रेस के लिए। और फिर ने ये दो तीन घड़ी, एक iPhone 13, उसके बाद ये परफ्यूम, कहते हैं ना परफ्यूम देने से दोस्ती टूटती, देख लो दोस्ती टूट गई बेचारे की। गुड मॉर्निंग, आई डोंट वॉन्ट दैट मच, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई एम सीरियस, यस बेबी आई प्रॉमिस आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन सून, और ये सब। और ये इन्हें डब्बे में पैक करा और कहा गिव मी योर एड्रेस, सीधा बॉक्स, और इस बॉक्स पे जहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिख रहा वो बॉक्स उन्होंने देखने को कहा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तो सेंड मी योर एड्रेस नाउ, तो मुझे अपना एड्रेस दो। येट इट्स अबाउट व्हाट आई सेंट यू, द कस्टम कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट द गिफ्ट विल बी अराइव टू योर कंट्री सून, एंड व्हेन इट अराइव यू विल हैव टू पे फॉर डिलीवरी चार्जेस, तुम्हें डिलीवरी चार्जेस देने होंगे। एक चीज़ यहाँ तक समझो, कस्टम कभी भी सेंडर को कॉन्टैक्ट नहीं करता, हमेशा रिसीवर को कॉन्टैक्ट करता है, उनको डाउट होता है, वो उस गिफ्ट को वहीं पर होल्ड पे कर देते हैं और बाद में उसको नीलामी कर देते हैं। वो गिफ्ट कुछ ऐसा होता है जो वो कहते हैं ना अराजक तत्व है कुछ, तो उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो किसी भी सूरत में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ समझो, 45,000 ऑफ योर कंट्री करेंसी, ओके सो दैट दे विल ब्रिंग, इन्हें यहाँ कंट्री करेंसी क्यों कहा, ताकि आपको एक्सक्यूज़ दे दे कि भैया मेरे पास तो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा भेज सकता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। सो ऑफ योर कंट्री करेंसी सो दैट दे विल ब्रिंग इट टू यू, दे हैज़ योर नंबर एंड योर एड्रेस, ओके व्हेन इट अराइव टू योर कंट्री दे विल कॉल यू, जब आप ये गिफ्ट तुम्हारी कंट्री आ जाएगा वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। सो आई हैव टू पे फॉर इट, आई नीड टू स्पीक माई हस्बैंड, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। येस बेबी इट इज़ फॉर डिलीवरी चार्ज, ये एक डिलीवरी चार्ज है फॉर कस्टम ड्यूटी, और तुम्हें 45,000 रुपये पे करने होंगे। ये जो बहन है मैम, इनसे बात करके इसको लगा कि हाँ ये रिच पर्सन है, तो इससे थोड़े ज़्यादा बोल दिए 45,000। ओ नो, तो इसने कहा कि हाँ अपने पति से बात मत करना, ही विल बी वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आएगा, मतलब आपने अपने पति से बात करी तो ये सारी यहाँ पे चैट हैं, प्लीज़ उसको मत बताना, ही विल बी एंग्री ऑन मी, बट आई डोंट थिंक ही विल पे, ही विल बी एंग्री ऑन मी, कैन यू बोरो फ्रॉम एनी वन, वही किसी से उधार ले लो, मैं तो फ्रॉड करके भग जाऊँगा और फिर तुम बाद में भुगतान करते रहना। तो ये सारे यहाँ पे फ्रॉड मैसेजेस हैं, आप वीडियो पॉज करो, ईजी पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ऊपर ये सारी चैट छोड़ रहा हूँ। यू डिलीट माई नंबर, आई कैंट सी योर DP, नो आई रिमूव इट, इन्हें अपनी DP रिमूव कर दी बहन ने, तो यू डोंट इवन नो एनी थिंग, वाट डिड यू मीन बाई दैट, देर इज़ नेवर अ कॉल फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, आई नो एवरी थिंग, माई अंकल आस्क मी वाई, वाट डिड यू नो, आई डोंट हैव अ टाइम टू आर्ग्यू विद यू, मतलब वही बहस वगैरह यहाँ शुरू कर रहा है
कि भैया मेरे को यकीन है कि तुम क्या, मैंने ये गिफ्ट भेजा है, तो इनको यकीन दिला रहा है जो मैम है कि भैया मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा है और तुम इसको रिसीव कर लो और पैसे दे लो। और उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पे इसने बात करी, इन्हें पूरा कुछ ट्राई कर लिया और यहाँ पे एक समझदारी की इसको ब्लॉक कर दिया, विद माई हार्ड एंड मनी गेट आउट, इज इट अ न्यू थिंग, और ये सब बातचीत चली। तो ये पूरा स्कैम था, ये एक वीडियो थी, ये मैंने इसलिए शेयर करी कि आपके पास भी मैसेज आते हैं, आपको ऐसे ही टैगल करना है। आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, जो कि मैं यूज़ करूँगा एक कैंपेन रन करने के लिए, हैशटैग नो मोर स्कैम की वुमेन अवेयरनेस कैंपेन जो ऑल इंडिया लेवल पर रन होगी। अब तक इसके लिए मैंने 1500 रुपीज़ तो रिसीव कर लिए हैं, टोटल टारगेट अमाउंट है अपना 10,000 रुपीज़ का, जो हम यूज़ करेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ताकि हर लड़की महिला को अवेयर कर पाएँ या लड़कों को इन स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और इसके अलावा एक गिव अवे चल रहा है, आप लोगों को पता होगी, एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरी वेबसाइट digitalsudhir.com पे। अगर आप भी इस गिव अवे में रजिस्टर करना चाहते हैं तो इनका बेसिक टारगेट ये है कि लोगों को अवेयर कर पाना। आप इन तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ, ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा, आपको ये फॉर्म भर के सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको कॉल बैक आएगा अगर आपके फॉर्म की दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।